क्या गाजियाबाद में भी ऐसा ही है? क्या गाजियाबाद में भी कई अलाया अपार्टमेंट्स हैं, या जो नितिन ने दिखाया, जो सनुज ने दिखाया, वही हाल गाजियाबाद में भी है? ये हमें शक्ति बताएंगे। शक्ति, देखिए राजेंद्र, गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो जहां पर अभी समय मौजूद है, यहां के जो हालात हैं वो बद से भी बदतर हैं। इस समय हम गाजियाबाद के तुलसी निकेतन क्षेत्र में हैं और दिल्ली से महज ये 100 मीटर की दूरी पर है, यानी कि 100 मीटर की दिल्ली से दूरी पर है, जहां पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा जो फ्लैट बनाए थे उन फ्लैटों के हम आपको हालात दिखाने जा रहे हैं। 2000 से भी ज्यादा फ्लैट है। देखिए, ये देखिए, आप अभी जोशीमठ आपदा की बात कर रहे थे, जोशीमठ में दरारों की बात कर रहे थे, तो यहाँ आपको दिखा रहे हैं कि ये इमारत कभी भी गिर सकती है। हालांकि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के जो लोग हैं उन्होंने डेंजर जोन में घोषित किया हुआ है। ये देखिए, अगर यहाँ पर हम दीवार दिखाएं तो ये देखिए, ये किस तरह से, ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर जर्जर, ये क्या हालत है यहाँ पर? यहाँ पर ये हालत पूरी, ये जो पूरी कॉलोनी है यहाँ पर सभी जगह ये हालत है। ध्यान से देखिए, इस दीवार को देखिए, इस घर को देखिए, कभी भी ढह सकता है, कभी भी गिर सकता है। यहाँ पर विकास प्राधिकरण के लोग आते हैं, कहते हैं खाली कर दो डेंजर जोन में, लेकिन यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि खाली तो कर दें, लेकिन इसके बाद हम जाएं कहाँ? आशियाना कहाँ है? किस घर में जाएं? किस घर में रहें? निकाल तो दोगे? इसीलिए इस जगह ये रहने को मजबूर है। इन्हें पता है कि कभी यहाँ किसी भी वक्त ये इमारतें गिर सकती है, ढह सकती है। कितने परिवार यहाँ पर शक्ति रह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद शक्ति आपके पास वापस आते हैं, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की बात सुन लेते हैं पहले। और सबको सुरक्षित बचा लिया गया है, सिविल अस्पताल और ट्रामा में इलाज चल रहा है, सभी लोग हाई अलर्ट मोड पर हैं, अभी भी रेस्क्यू चल रहा है और घटना के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती अभी लोगों को सुरक्षित निकालना था, अभी भी कुछ लोग अंदर हैं ऐसी जानकारी मिल रही है। ऑक्सीजन की सप्लाई NDRF, SDRF और सेना की टीम ने नीचे पहुंचाई है और इसमें कड़ी कार्रवाई होगी, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके के बिल्डिंग बनाने वाले लोग आप लोगों सरकार ने चिन्हित करने के लिए? हाँ, ऐसे हम चिन्हित करेंगे और इस प्रकार के जो जर्जर इमारतें हैं या अवैध इमारतें हैं उनको जरूर चिन्हित करेंगे। दुखद घटना है ये। तो इसमें एक नाम आ रहा है जिस तरीके से पूर्व मंत्री, अभी इसको हम कोई पॉलिटिकलाइज नहीं करेंगे। ये घटना लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने वाली है और हम लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं देंगे। जो भी दोषी होगा हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे, लेकिन इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और इस घटना में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। सरकार एक सख्त मैसेज इसके बाद देगी, क्योंकि हाँ बिल्कुल, हम सख्त मैसेज देंगे, सख्त काम करेंगे। मैसेज तो दूसरे विषय है, हम इसमें किसी को नहीं छोड़ेंगे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कह रहे हैं सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और इसका राजनीतिकरण नहीं है, ये मानव जो लोग हैं, जो मानव जीवन है उसको बचाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जर्जर इमारतें बहुत सारी हैं। और हमारे तमाम सहयोगी आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। नितिन आगरा से जुड़े हुए हैं, सनुज मेरठ से जुड़े हुए हैं और शक्ति गाजियाबाद का हाल अभी बता ही रहे थे, तो शक्ति के पास चलेंगे, उनसे पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि वो किस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, उसमें कितने परिवार हैं और ऐसी जर्जर हालत में वो रह कैसे रहे हैं, कैसे अलाउड किया गया उनको वहां पर रहना। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।